Based on distance travel, we have classified motion into two kinds, uniform motion and non-uniform motion. Let's start with the uniform motion. As we know, we have a first one is uniform motion. So what is uniform motion? So we have a simple definition over here. When a body covers equal distance in equal interval of time. So here is the simple definition of uniform motion. Here you have to note two things: equal distance and equal interval of time. When a body covers equal distances in equal interval of time, when we are comparing two time frames, then we have to find the ratio between the two time frames. And if the ratio will be equal, then the motion can be called as uniform motion. इसको अच्छे से और अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको with the example. यानी अगर एक body है वो चल रही है और उसने suppose 10 meter cover किया, 10 meter cover करने के लिए उसने 10 second ली, फिर उसने आगे के, फिर थोड़ी देर बाद उसने 20 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 10 मीटर, उसके लिए भी उसने 10 सेकंड लिए. अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो वो 1 आएगा. लेट्स प्रूव इट. एग्जांपल, a car covers 10 meter in every 1 second. We have just modified our question little bit. We having our car over here. Zero meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter, 60 meter, 70 meter. This is our car which is moving in this direction. Let us make some 2-1. Suppose at the time interval 0 seconds, I have a camera and I captured a picture. What I literally found, अगर मेरे पास एक कैमरा है और मैं उससे एक फोटो खींचता हूँ टाइम 0 seconds पे, तो क्या कोई बता सकता है कि मेरी कार मुझे कहाँ दिखेगी? This is the right situation. जैसे ही मैंने कैमरे से पिक्चर खींची या क्लिक की तो मुझे मेरी कार कहाँ दिख रही है, कोई बता सकता है? Yes, at 0 meter. क्योंकि मेरी कार कुछ हो सक वो चल के आ रही है, लेकिन जब मैंने पिक्चर क्लिक की उस टाइम पे उसका डिस्टेंस जहाँ से मैंने कैप्चर किया वहाँ 0 meter, क्योंकि ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से मैं देखना स्टार्ट कर रहा हूँ.
इमेज को कहाँ से आप देखना स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो. लेट्स आफ्टर टी टाइम सेकेंड्स के बाद मैंने दोबारा एक और इमेज क्लिक की. मुझे मेरी कार कहीं यहाँ कहीं दिखाई देती है. मेरी कार स्टॉप नहीं हुई, वो अभी भी चल रही है, लेकिन जब मैंने इमेज क्लिक की तब वो यहाँ पे है. कितने डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, कैन यू टेल मी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 60 मीटर्स. सो वी गेट द पॉइंट कि इसने 60 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया. कितने टाइम पीरियड में? टी सेकेंड्स में. हमें फाइंड आउट करना है ये टी क्या है. व्हाट विल बी द टी? हमें टी फाइंड आउट करना है. कैन यू हेल्प मी टू फाइंड आउट टी? यस यू कैन. लेट्स एग्जामिन दिस प्रॉब्लम वेरी केयरफुली. इन आर क्वेश्चन वी हैव कार कवर्स 10 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड. So, the distance covered by the body or object is 60 meter. Let's plot a graph. On the basis of the graph, we can easily find out what will be the t. Let's make a graph. I don't need to explain these. You already know. These are two axes. Okay. This is y axis. This is x axis. We will divide the y-axis in segments. हमें y-axis और x-axis को equal parts में break करना है. x-axis को अपने equal part में break करना है और y-axis को किसी और equal parts में break करना है. Suppose, let's take, suppose मैंने y-axis पे मैंने लिया distance. Generally हमेशा y-axis पे distance लिया जाता है, velocity ली जाती है, लेकिन एक्स एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको हमेशा टाइम फ्रेम कहा जाता है. एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लिया जाता है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. क्योंकि हम किसी भी चीज को जब मेजर करते हैं तो वो टाइम के रेफरेंस में मेजर करते हैं. सो हम हमेशा एक्स एक्सिस को क्या लेंगे? टाइम. और जो भी हमारी वेरिएबल होगा, जो चेंज होगा, इवन टाइम भी चेंज हो रहा है, वो टाइम कॉन्स्टेंट है. मतलब पर्टिकुलरली पीरियोडिक है, हर ड्यूरेशन है उसका. बट हमारा वाई एक्सेस कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है. आपको अभी अंदाजा, अभी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ. टाइम 0 सेकेंड्स, यहाँ 0, एट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सेम एज 9, 10. लेट्स पुट हियर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर. ओके, वॉट यू विल फाइंड? अगर हम देखें, ध्यान से देखें, एज पर क्वेश्चन, इसने डिस्टेंस कवर किया 0 से 10 मीटर, उसके लिए कितना टाइम पीरियड लगा उसे? एज पर आवर क्वेश्चन, इफ इट कवर्स 10 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड, सो 10 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगा उसे? 1 सेकेंड. सो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ आएगा? सम वॉट हियर, सेकेंड सम वॉट हियर, सम वॉट हियर, एंड नेक्स्ट विल बी somewhat here. If we join all the coordinates, what we will get? मैं इसे अच्छे से join नहीं हुआ. आप scale की help से अच्छे से join करेंगे तो आपको एक perfect line दिखाई देगी. It looking like a curve, but ये एक coordinates हैं
जो हमने हमारी सिचुएशन से ग्रैब किए। इनको जब मैंने मिलाया, एक लाइन से मिलाया, तो हमें एक कर्व मिला जो कि एक लाइन है। डेफिनेटली व्हाट आई विल फाउंड हियर, अब मुझे इस लाइन को एग्जामिन करना है। तो मैंने जब इसको एग्जामिन किया तो मुझे कुछ देखने को मिला। वो क्या चीज़ थी, कोई बता सकता है? यस यू आर राइट, ये एंगल, ये एंगल मुझे जो मेजर किया मैंने, तो ये मुझे मिला 45 डिग्री। सो ये कुछ तो कंक्लूड करता होगा, डेफिनेटली ये एंगल कितना मिल रहा है मुझे, 45 डिग्री। इसको मैं अच्छे से अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपको, वेट। लेट अज्यूम दिस डिस्टेंस बी y1 एंड दिस डिस्टेंस बी y2। लेट्स अज्यूम सेम कोऑर्डिनेट्स को लेना है, 20 to 30। सो ये भी, ये हमारा हो गया x1 एंड 40 to 50 x2। Now what you will find over here, this is actually delta x। ये क्या है, this is actually delta x। और व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा होता है चेंज, डेल्टा होता है चेंज। तो मुझे ये क्या बता रहा है, ये जो x1 है ये मुझे बता रहा है कि टाइम पीरियड 2 से 3 सेकंड जब होता है, जब टाइम पीरियड मेरा 2 सेकंड है, 2 सेकंड से 3 सेकंड पे जा रहा है, यानी कि 1 सेकंड का जो टाइम पीरियड है, उसमें जो मेरी बॉडी कवर करती है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, यानी मेरी बॉडी पहले 20 मीटर पे थी, अब वो 30 मीटर पे पहुंच गई। तो एक्चुअली उसने जो चेंज कवर चेंज किया, मतलब जो पहले था जो बाद में था उसमें से पहले वाले को माइनस कर दिया, तो 30 - 20 जो चेंज आया वो कितना आया, 10 मीटर्स। यहाँ पे जो चेंज आया वो कितना आया, 10 मीटर्स, और यहाँ पे जो चेंज आया वो कितना आया, 1 सेकेंड। अब इसको जरा फॉर्मूले में रखते हैं। वी हैव अ थिंग कि अगर हमें कभी भी स्लोप निकालना होता है, जैसे स्लोप होता है ये 45 डिग्री, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम। ये क्या होता है, एम स्लोप, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, एक्स में चेंज कितना आया और वाई में चेंज कितना आया। ये दोनों चेंज मैं दो को कंपेयर करूँगा यहाँ पर, अगर वो दोनों इक्वल होते हैं देन मुझे क्या पता चलेगा कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन। जैसे सपोज मैंने पहले y1 वाली कंडीशन ली, फिर x2 y2 कंडीशन ली, जैसे y1 अपॉन x1 शुड बी इक्वल्स टू y2 अपॉन x2। ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर मेरा मोशन यूनिफॉर्म है। आर यू एग्री विद दिस? सो लेट्स पुट दिस, y1 कितना है हमारा, y1 कितना हुआ, 10 मीटर, 10 मीटर बाय x1 कितना हुआ, 1 सेकेंड, विच इज इक्वल्स टू अगेन y2 कितना हुआ, 10 मीटर, x2 कितना है, 1 सेकेंड, विच लिटरली सेटिस्फाई आर इक्वेशन। हमारी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, ये 10 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 मीटर बाय सेकेंड। यहाँ पे एक चीज़ और मिली आपको,
अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे कुछ मिला, वो चीज़ क्या होती है, इस स्लोप को। रियल में था तो ये स्लोप ही, तो स्लोप हमें एक और चीज़ देता है। स्लोप रियल में होता क्या है, वेलोसिटी या फिर और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा, इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ओके। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया है कवर। वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिफॉर्म मोशन क्लियरली कंप्लीटली। लेट्स स्टार्ट विद ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन भी वैसी ही है बिल्कुल, बस यहाँ पे छोटी सी चेंज, छोटा सा चेंज है जो हमें आइडेंटिफाई करना है। व्हेन अ बॉडी कवर्स अन इक्वल डिस्टेंसेस इन equal interval of time, यहाँ पे जो मार्क करने वाली पॉइंट है अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो बॉडी कवर, जो बॉडी हमारी मोशन में है वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो अलग अलग है सेम टाइम सेगमेंट्स के लिए। अगर मैं उसे 10 मिनट 10 सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो कभी मुझे वो 20 मीटर चलती हुई दिख रही है, फिर अगले 10 मिनट के 10 सेकंड के लिए देख रहा हूँ तब मुझे वो 40 मीटर चलती हुई दिख रही है। लेट एग्जामिन इट, इसको बहुत अच्छे से हम ग्राफ से समझ पाएंगे। सपोज आई हैव टेकन एग्जांपल, हमारे पास एक एथलीट है, an athlete who is completing on track, race track, race track पे दौड़ रहा है हमारा एथलीट। लेट्स ब्रिंग अ रेस ट्रैक, ये हमारा एथलीट है, ये रेस कवर कर रहा है। सपोज ये मैंने, ये टाइम तब था जब 0 सेकंड्स हुए और रेस स्टार्ट होने वाली है, हमारे रेस स्टार्ट हो गई है और मैंने उस टाइम पे पिक्चर क्लिक की। इस टाइम पे मैंने इसे देखा कि इसने कवर किया कुछ डिस्टेंस 20 समवॉट 10 मीटर, ये टाइम ड्यूरेशन तब है जब मेरा एथलीट यहाँ पे आ गया आफ्टर आफ्टर टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड। इसने कवर किया कुछ यहाँ पे, यहाँ से ये डिस्टेंस 10 मीटर हो गया, यहाँ से जहाँ तक उसने कवर किया समवॉट 20 मीटर इन
2 सेकेंड, फिर ये वहाँ से दौड़ता हुआ और आगे चला गया। यहाँ तक जाके उसने कवर किया समवॉट, फिफ्टी मीटर इन 3 सेकेंड। यह मैंने कुछ ज़्यादा स्पीड दिखा दी, हमारे एथलीट की इतनी स्पीड होती नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैंने दिखा दिया आपको एज एग्जांपल समझाने के लिए। रियल टाइम सिनेरियो से मैच नहीं करता है। ओके, अब जब हमारी रेस स्टार्ट हुई तब हमने क्या देखा कि हमारे अभी 0 सेकेंड्स हुए थे। मैंने क्लिक की, इमेज क्लिक की, मैंने फ़ोटो क्लिक की कैमरा से, तो देखा मेरा जो रेसर है, मेरा एथलीट है, वो वहीं पे खड़ा है, रेस ट्रैक पे खड़ा है। तो टाइम 0 सेकेंड पे उसने कुछ अटेंड नहीं किया था। उसके बाद टाइम 1 सेकेंड पे उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 10 मीटर था। आफ्टर अगेन 1 सेकेंड उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना हुआ, 20 मीटर। देन आफ्टर डिस्टेंस, देन अगेन आफ्टर 1 सेकेंड ही कवर द डिस्टेंस 50 मीटर। तो इस तरीके से एक मुझे एक अलग अलग पैटर्न मिल रहा है, कभी 10 मीटर मिल रहा है, कभी 20 मीटर मिल रहा है, कभी 50 मीटर मिल रहा है। अगर मैं इसको एक ग्राफ में बनाना, एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ फॉर दिस, वाई एक्स, यहाँ पे डिस्टेंस है एज यूजुअल पहले की तरह, यहाँ पे टाइम है, यहाँ 0 हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, या 10, 20, 30, 40, 50, 60। क्या आप देख के बता सकते हैं कि उसने टाइम 0 सेकंड पे कितना मीटर कवर किया? उसने टाइम 0 सेकंड पे कुछ कवर नहीं किया। टाइम 1 सेकंड में उसने कितना कवर किया? टाइम 1 सेकंड में उसने कितना कवर किया? 10 मीटर। 2 सेकंड्स में उसने कितना कितना कवर किया? 20 मीटर्स। तो 20 to 30, 30 to 40। देन अगेन नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना कवर किया? 50 मीटर। 50 मीटर्स मीन्स 10, 20, 30, 40, 50, somewhat above this, यहाँ कहीं हमारा ग्राफ बना हुआ। तो जो हमारी ग्राफ की प्लॉटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से, यू विल फाइंड अ कर्व ओवर हियर। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक कर्व मिल रहा है। पहले वाले केस में यहाँ पे आपको एक लाइन मिल रही थी, यहाँ पे एक कर्व मिल रहा है। क्या आपको ये, क्या आप इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं? डेफिनेटली ट्राई। जब आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो कुछ और एंगल मिलेगा, इस जगह पे आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको कुछ और एंगल मिलेगा, यहाँ का एंगल कुछ और होगा, यहाँ पे एक एंगल कुछ और होगा। अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ और एंगल मिलेगा, ये दो केसेस दिखाए मैंने, एक ये वाला केसेस है, यहाँ एंगल कुछ और होगा, यहाँ का एंगल कुछ और होगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है जो हमारा कर्व है उस डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे है, ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल रही है कि जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म इन सेंस कि इक्वल टाइम इंटरवल में हमें इक्वल डिस्टेंसेज नहीं मिल रहे हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्लैरिफाई हो जाता है
ये जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इस तरीके से आप और भी एग्जांपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं इन एवरीडे लाइफ कि कौन से मोशंस हमारे यूनिफॉर्म हैं, कौन से मोशंस हमारे नॉन यूनिफॉर्म है। जनरली आपको लाइफ जो रियल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या आपके लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं या एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनके अंदर आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशंस ही देखने को मिलेंगे। यूनिफॉर्म मोशंस आपको जल्दी जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। इवन आप जब कार भी ड्राइव करते हैं तो कहीं पे स्पीड ब्रेकर आता है, कहीं पे पेडस्ट्रियन आ जाते हैं तो आपको ब्रेक अप्लाई करने पड़ जाते हैं या कहीं आपको एक्सलरेट करना पड़ता है, तो आप एक कांस्टेंट स्पीड पे या कांस्टेंट आप यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रह पाते। सो एक ये थियोरिटिकली मान सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक थियोरिटिकली कॉन्सेप्ट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको इसी के आगे देखना है तो कंटिन्यू आप देखते रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे बेस्ड ऑन पाथ ट्रेस्ड।